सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप सब लोग को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं दूसरा जगह काम करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या कितना दूर काम हो रहा है, वो सब डिटेल्स हम मैं आपको आज दूंगा। अभी हम लोग निकल गए हैं बाइक से। मैं पहुंच गए हैं, यहाँ पे काम हो रहा है एल्युमिनियम का। ये देख रहा हूँ, ये है एल्युमिनियम टू ट्रैक रखा हुआ है। कटिंग हो गया है ऑलरेडी, इसने कटिंग कर दिया है। ये रखा हुआ है माल, इस साइड भी मशीन है, इस साइड और कुछ माल पड़ा है, इस साइड और माल पड़ा है। यहाँ पे दो बाथरूम डोर लगेगा और कितना एक सजा होगा, और किचन में कुछ लगने वाला है। मामू जी ये लीजिए, इसका अंदर गैज है, और मैं अभी उल्टा ही लगा रहा हूँ मामू, ठीक है ना। सो गैज, अभी मैं ये लगाऊंगा इसका अंदर, ग्रुप का अंदर ये लगा रहा हूँ। ये फेल है और ये टॉप प्रोफाइल है। ये फेल इसके अंदर घुसेगा यहाँ पे। जब इस साइड बराबर हो जाएगा तो इधर काट देंगे। जितना भी टॉप और बॉटम प्रोफाइल है, एक दो तीन चार, चार चार साइड लगेगा। और वर्टिकल जो हाइट वाला डंडा होता है उसमें नहीं लगेगा। ये वाला कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, ये कंप्लीट हो गया है, फेल सारा लगा दिया है। सो गाइज, निशान मार के ये हमने होल कर दिया है, ये सारे दो दो होल, दो होल इसलिए किया है। इसमें जो जगह का और स्क्रू एडजस्टेबल करना होता है ना, इसलिए हमने दो होल किया है। और इसका ऊपर साइड में अपना एक सिंगल सिंगल होल रहेगा सिर्फ स्क्रू मारने के लिए। सो गाइज, ये सब सारा जो चाका लगने वाला है, ये सब हमने मार्किंग करके हॉल कर दिए हैं। अब ये इसमें चाका लग रहा है और इंटरलॉक वगैरह का सारा ये ग्रुपिंग काट दिया है। ये देखिए, ये बॉटम साइड, ये ऊपर वाला साइड में ये सारा हमने ओके कर दिया है। तो ये लॉक भी कटिंग हो गया है, ये देखिए मार्किंग करके हमने कट कर दिया लॉकिंग के लिए। अब इसमें हम टच लॉक लगाएंगे। ये है टच लॉक का पैकेट, इसमें दो रहता है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। ये हम अभी ओपन कर रहे हैं। सो ये लॉक लग गया है, ये राइट साइड का है
और ये लेफ्ट साइड का है, बेस में हमने होल मार के स्क्रू मार देंगे। अभी खाना पीना कंप्लीट हो गया है, अभी फिर काम करेंगे। अभी इतना सारा मामू जी ने कोटिंग किया है और ये मैंने सारा एल बना के रख दिया हूँ और इतना सारा बाकी है, ये सारा जॉइंट करना है, एल बनाना है। सो गाइस बिजली चला गया है और अभी शाम भी होने वाला है और पूछताछ किया तो बिजली नहीं आएगा कह रहा है। जो भी जितना काम किए वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो गाइस यहाँ एक फ्रेम फिटिंग हुआ है, ये टूट रहा है, ये बाहर साइड से लगा हुआ है ग्रिल का और ऊपर वाला पोर्शन बाकी है, ये डायरेक्ट कैसे भी फिटिंग होगा वो। और यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रक्चर फ्रेम ही बना के रखा है। ये देखिए यहाँ पे स्लाइडिंग वाला होगा, स्लाइडिंग वाला पोर्शन लगेगा और यहाँ पे भी आपका स्लाइडिंग वाला पोर्शन लगेगा और नीचे की तरह जो ये है यहाँ पे ओपनेबल वाला खुलने वाला हो लगेगा और ये वाला जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है इसमें भी स्लाइडिंग लगेगा और इसका ऊपर में भी एक स्लाइडिंग लगेगा। उसका माल रेडी हुआ है पर लाइट का बिजली जाने का कारण उसको हम जोड़ नहीं पाए हैं। तो गाइस आज इतना ही काम हुआ है, अभी तो हमको घर भी जाना है क्योंकि बारिश भी आने वाला लग रहा है। क्या कर रहा है, अगर बारिश थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर रात को लेकर।